अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो जी? बड़ी खुश नजर आ रही हो, खैर तो है? कुछ नहीं। क्या बना रही हो आप? कुछ भी नहीं है। चाय बना रही हो? तो मतलब इस टाइम तो खाने का टाइम होता है, आप चाय बना रही हो? सब्जी नहीं है, तो पर सारा नहीं बनाया। सब्जी नहीं है? अरे देखना, मतलब कि चेहरे पे एक मुस्कराहट है और एक ऐसा लगता है जैसे एक सुकून वाली ज़िंदगी है, ये कोई टेंशन नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि उनके पास शायद नहीं है कोई चीज़ बनाने के लिए, तब उन्होंने ये चाय बनाई है कि चले आज चाय बना के शायद हम खाना खा लें इसे। और सब्ज़ी नहीं है वो कहती, इसलिए हमने नहीं बनाई। तो चलते हैं, इनकी फैमिली से मिलते हैं। और क्या नाम है बेटा आपका जी? नाम क्या है? शहीना नाम है इनका। और इनकी अम्मी जान भी यहाँ बैठी हुई हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं यहाँ बैठे हुए। और यहाँ माशाल्लाह से एक बेटी कुरान पाक की तिलावत कर रही है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? कैसे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? क्या नाम है आपका? नगीना। माशाल्लाह नाम तो बड़ा प्यारा है नगीना, और काम भी बड़ा प्यारा कर रही है। अच्छा, कुरान पाक पढ़ रहे हो जी? ओह माशाल्लाह। अच्छा, स्कूल जाते हो पढ़ने? नहीं, हमारे मामा बाबू को पैसे नहीं है। ओह पैसे नहीं, इसलिए नहीं स्कूल जाते? किताबें या कॉपी कह नहीं, कॉपी भी कह नहीं, किताबें भी कह नहीं। उर्दू आती है? उर्दू आती है? नहीं आती। आपको आती है उर्दू बोलने? आती है? नहीं। स्कूल गए हो आप? नहीं। आप भी नहीं गए? कोई भी नहीं स्कूल जाते? नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? त्रै बेटियां ते एक निका। एक बेटा, तीन बेटियां, मतलब एक वो बेटी है और ये दो ये हो गए। अच्छा, तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजा कभी भी? नहीं, निकले ना किताबा ना पैसा पाता, पले जो होने ना पढ़ा सके। कुरान जे दिले तुम्हारे सामने ले बैठे पढ़ाए से जी। कुरान मजीद की तालीम बहुत जरूरी है। वर्दियां कान में वर्दियां बगैर के नहीं जाने देने वाले, नहीं जाने देते। और अगर देखा जाए तो आजकल वाकई में पढ़ाई वैसे ही बहुत ज्यादा महंगी है। और आपके मियां क्या करते हैं? मियां ये शोदा अगर आंखें हैं कि करने रहन कान नहीं सकते, हम पिए बुखार ना कान के मींद कान के ताना हां कम साए को लाते ताना दवाई शवाई लेंगे से। अल्लाह अकबर। और माशाल्लाह से बच्चियां कितनी प्यारी हैं। उसके बाद जो है माशाल्लाह से एक खुद को एक डांपा हुआ है, कवर किया हुआ है। और तीनों बेटियां माशाल्लाह से इतनी अच्छी हैं। और अगर ये पढ़ाते तो शायद ये माशाल्लाह से बच्चियां आज टॉपर होती, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं हैं, इतना सरमाया नहीं है कि अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दे सकें। ये बच्चियाँ जो हैं ये पढ़ाई करना मुझे लगता है चाहती भी होंगी, लेकिन नहीं कर पा रही। अच्छा बेटा, आपका दिल करता है पढ़ने का? स्कूल जाना, वर्दी पहन के, बैग पहन के, बच्चियों के साथ बैठ के पढ़ना लिखना जी। दिल करता है, जानना है पढ़ने? इन्हें नशों के पढ़ा सा स्कूल पढ़ो गुना ये वाकई में पढ़ने वाला है वो आदत स्कूल पढ़ना है। नहीं वैसे बात ये, आपको बच्चों ने कभी कहा कि अम्मी मैंने स्कूल जाना है? जी जी जी। कहते हैं जी, बच्चियां कहती हैं मैंने स्कूल जाना? जी जी, आज मैं आती हूं आज स्कूल बन गई थी। हां क्योंकि देखें स्कूलों को भी रूल्स होते हैं, हर स्कूल का अपना रूल्स होता है, मुताबिक होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रही हैं। तो जब सारी चीज़ें पूरी होंगी तो बच्चे स्कूल जाएंगे, ऐसे तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये, माशाल्लाह से दीनी तालीम अपने बच्चों को दी हुई इन्होंने। और मेरी बहन बताएं, आपके मियाँ किधर हैं अब? मियाँ अंदर बैठा है, अंदर है जी है। अच्छा चलें जी, चलें उनसे बात कर सकते हैं उनके साथ जी है। चलें, ये कुरान पाक बच्ची पढ़ रही है और हम अंदर आ गए हैं जी। मेरी बहन, आपके तो कमरे की बड़ी हालत खराब है। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। क्या हाल है? ठीक है? ठीक है बाबा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ना दादी पे कोठा ना डठा खड़ोता है, पीछे आरे जके गल्ले खड़ोते हैं। देखो जुरत कर दी नहीं, एक दिन हाथ पावने हाथ नहीं पाई, ना जुरत है ना समकान पा सकते हैं। अल्लाह गरीब बंदे हैं, कोई मेहरबानी।
अल्लाह, ये देखिए इनका कमरे की हालत वाकई बहुत ज्यादा खराब है, और वैसे भी मौसम चेंज हो गया है, सर्दी आ गई है, तो सर्दियों में तो कमरे में सोना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। क्या पता जो है वो मतलब कि खुदा ना खासा बच्चों को मसला प्रॉब्लम हो सकता है, इनका जान को खतरा हो सकता है। ये बेटा है आपका? निक्का है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने अब्बू जान की टांगे दबा रहा है। बेटा क्या हाल है आपके? ठीक हो? और ये भी स्कूल नहीं गया? नहीं जाते स्कूल? कुरान से पढ़ा है, मसीह के सारे बालक पढ़ा है कुरान से भी। अच्छा, स्कूल नहीं जुड़ा का दीप कमांडा में ते वर्दी हमने तो साफ सुथरा थी तो नहीं बाल सब चुप लोगों आपके ऊपर पढ़ाई करूँगा। अच्छा, तो ये क्या करता बेटा बाबा का? मैंने तो कराया इसी रोटी खाना थे 5-7 हजार दें दें। अच्छा, क्या करूँगा, गुजार दिखने होगा, सही कह रहे हैं ये कि हालात ऐसे हुए पड़े हैं। वाकई में सिर्फ इनके नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे एक सुकून की रोटी खा रहे थे, अब जो है वो इतना हाल हो गया है कि मतलब कि वो लोग जो है वो ये भी मुश्किल हो रहा है कि उनके पास अब इतना नहीं होता कि सब्जी के पैसे हों, एक हम एक अच्छी सब्जी बना सकें, अपने बच्चों का अच्छे से पेट पाल सकें। तो उन्होंने पढ़ाना कहाँ से है? यही जो है वो यहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे या बच्चों को जो है वो उनका पेट पालेंगे? तो बड़ा मसला मसाइल जहाँ आ रहा है, और यहाँ जो इनका मुझे बहुत ज़्यादा मसला जो लग रहा है वो इनके कमरे का है कि बादी ये जो नीचे है ये कच्ची मट्टी लगी हुई है, ये कच्चा मकान है? ये कच्चा मकान है, बाहर तो लिखे नहीं चाहिए, दूसरी खेल कच्चा मकान है, कल दीवार कच्ची है, छत डल गए। अच्छा जी, चलें जी बाजी कहती हूँ, उधर से भी दिखाती हूँ, और उधर से भी हम देखते हैं कि ये करिए कि उधर से कच्चा मकान है इनका। अच्छा, इधर क्या बनाया हुआ है? ओए होए होए, ये इनकी जो है बाहर की साइड है? अरे ये एक अच्छी दीवार ही है, अरे घर लालो तो थप्पा में। ओहो, तोबा तोबा, ये तो बड़ा जो है मसला है जी, कभी भी ये कमरा गिर सकता है, इसमें जो है बच्चों के लिए बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, उनकी जान को खतरा बच्चों को हो सकता है। तो बहुत मसले मसाइल हैं जी, एक तो इनको मसला ज़्यादा आ रहा है बच्चों की तलीम का कि ये बच्चों को तलीम नहीं दे पा रहे, और दूसरा मसला जो है वो इनका सबसे ज़्यादा इस कमरे का है कि ये एक कमरे के छत जो है वो नहीं डलवा सकते, वो नहीं वो बना सकते, ताकि जो है अपने बच्चों को यहाँ जो है वो एक अच्छे से रह के जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें। तो हम जो है वो इन फैमिली के लिए, क्योंकि वो बच्ची ने कहा कि हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम इनके लिए राशन लेके आए हैं, तो मैं अपनी इस बहन को राशन देती हूँ ताकि ये अपना राशन लें। ये मेरी बहन पकड़े राशन ले लें, बिस्मिल्लाह, और ये कुछ पका सकें, ये अपने बच्चों को कुछ खिला सकें, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है कि वो खाना बच्चों को अच्छा खिला सकें, और चाय बनाई है तो वो चाय से शायद अब रोटी खाएंगे। तो बड़े मुश्किल हालात हैं, अल्लाह ताला हम सब इंसानों पे और ऐसे लोगों पे जो है वो अपना रहमो करम फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको इतनी हिम्मत और तौफीक दे कि हम ऐसे लोगों के पास आएँ जो वाकई में डिज़र्विंग है, जो वाकई में हकदार हैं, उनके पास आके उनका हाल पूछ और उनसे जो हो सकता है वो करें। और बस बाबा जी आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, और हम कोशिश करेंगे कि हम इंशाल्लाह सब मिलके इस कमरे के छत और इस कमरे को बना के दें। मेहरबानी तुम्हारी हो सी, मेहरबानी हो सी, बहुत तंग है मेरे दरवाजा ठहपी है ना, मेरे बच्चे ही तले थे, मैं ही तले। अल्लाह, नहीं नहीं परेशान हो इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हिम्मत करने वालों के साथ है, आप हिम्मत करें, क्योंकि ये देखें बच्चों का सहारा आप हैं, और आप ही अगर ऐसे लेटेंगे बीमार होंगे तो बच्चे तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, तो यही है आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएं, और हम पूरी कोशिश करेंगे, और हम सब मेरे बहन भाई जो मिलके हम सब हर फैमिली के पास आते हैं, और यहाँ भी हम इंशाल्लाह सब मिलके ऐसा ही करेंगे कि थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा इसमें डालेंगे, और अपना हिस्सा डाल के हम जो है वो इनका एक कमरा जो है वो छोटा सा तैयार कर देंगे। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनका ये जो मसला बहुत ज़्यादा है वह
हल हो जाए और ये अपने सुकून की ज़िंदगी गुजारें। ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।